अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूज, मैं नसरीन किचन में नसरीन हूँ। मैंने आज थोड़ा सा लंच बनाने लगी हूँ। पिज़्ज़ा मैंने पिज़्ज़े पर ये डाला है मशरूम और बेल पेपर डिफरेंट कलर और थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ आनियन फ्राई करके, तो सब मैंने डाला। ये आज मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी और फिर थोड़ा सा मैं पोटैटो रोस्ट करूँगी और चिकन मैं थोड़ी सी रोस्ट करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये चिकन। ये इसमें मैं थोड़ा सा चिकन आज के लिए, कल मैं चिकन टिक्का बनाऊँगी और नान, आज के लिए ये सिर्फ थोड़ा सा चिकन है और इसको सिर्फ मैं काली मिर्ची और नमक और लेमन और ये ब्लैक पेपर और ये इसमें रोस्ट करने के लिए 2-4-5 गुलियां गार्लिक डालूंगी और ये सॉल्ट और मैंने थोड़ा सा हरी मिर्चें और गार्लिक ये बनाया हुआ मसाला देखें और थोड़ा सा लेमन इसमें डालती हूँ। मैंने मैरिनेट नहीं किया, मैं थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करूँगी तो फिर मैं रोस्ट करने के लिए रख दूँगी और थोड़ी सी इसमें हल्दी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। जैसे ये मैं हाथ से इस्तेमाल करती हूँ इसकी बिस्मिल्लाह मिक्स करने के लिए। ये देखें इसमें थोड़ा सा ये और इसमें पोटैटो डाल देती हूँ। ये पोटैटो है चिकन और पोटैटो रोस्ट हो जाएंगे। जी ये बस डन हो गया। इसमें लेमन है तो काली मिर्चें वो और हरी मिर्चें थोड़ा सा गार्लिक और थोड़े 3-4 गोलियाँ गार्लिक की जो मैंने साबुत इसमें डाली है ये रोस्ट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ये मेरा रोस्ट मैं ओवन में रखूँगी। ये मेरे ओवन में चला गया बिस्मिल्लाह। ये जी और ये मेरा पिज़्ज़ा है मैंने तैयार किया है। मैं बेस लाई थी और उसमें मैंने आप खुद फ्राई करके प्याज और मशरूम और 3 डिफरेंट कलर बेल पेपर और थोड़ा सा चिली डाल देती हूँ क्योंकि अलग स्पाइसी पिज़्ज़ा। ये मैं इसको बनाऊँगी और जब बनेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। मैंने पानी रखा है इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी बिस्मिल्लाह और इसमें मैं पीस थोड़े से डालूंगी फ्रेश मैंने निकाल के रखे हुए हैं। ये पीस है और फ्रेश बिस्मिल्लाह। ये थोड़े से उबलेंगे तो फिर मैं इसमें ब्रोकली डालूंगी। मैंने ब्रोकली काट के रखी हुई है वॉश करके। ये थोड़ी सी ब्रोकली जब थोड़ी थोड़ी बॉल होगी तो फिर मैं इसको निकालूंगी। ये मेरा लंच होगा हमारा। ये देखें ये मैंने ब्रोकली काट के रखी है छोटे छोटे पीस और क्योंकि ये जल्दी बन जाएगी अब बॉल जो होगी तो ये देख सकते हैं आप। फिर मैं जी ये पीस उबल रहे हैं
वो बोर हो रहे हैं, मैं उन्हों इसमें ब्रोकली डाल दूँगी थोड़ी देर के लिए, 1 or 2 मिनट, तो ये बोल हो जाएगी। फिर मैं इसको स्ट्रेनल मैम डाल दूँगी, पानी निकल जाएगा। तो फिर बाद में थोड़ा सा बटर और लिटिल बिट डालूँगी, नॉट टू मच। फिर मेरी ब्रोकली तैयार, क्योंकि ऐसे बना कर खाएँ हेल्थी है। फिर इसमें नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं, नो सॉल्ट, नो मोर, जस्ट ओनली सॉल्ट इन द वाटर, दैट्स इट। क्विक लॉन्च, यू कैन हैव इट। जी मेरी ब्रोकली रेडी है, मैं इसको ऐड कर लेती हूँ, दस से। और ये देखो ग्रीन, और इतनी मैशी भी नहीं है, और जो नमक डाला था ना वो निकल गया। और इसको और नमक, एक्स्ट्रा नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं, दस। और इसको मैं थोड़ी ही सी देर इस गैस में रखूँगी, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा पानी है, ये सोस हो जाए। और फिर मैं इसको थोड़ी सी हींग, क्योंकि गैस में बनेगी जी। ये थोड़ा सा बटर, ये ठान ली बस, ऐसे ये ड्राई हो गई है, बटर हल्का हो जाएगा और वेरी टेस्टी। और ऐसे ये देखें, इसका रंग भी वो रहा है, ये येलो नहीं हुई, ये तैयार हो गई। अगर इसको ऐसे भी खाली भी खा सक खाएं, लंच बना इसका तो भी खा सकते हैं। और अगर इसके साथ हो और कोई चीज़ इस्तेमाल करें, तो हमें ऐसे फिश भी बना सकते हो इजी पैन में। और वैसे मेरी ब्रोकली तैयार जी। जी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा चिकन रोस्ट हो गया, अब पोटैटो, और ये मेरा पिज़्ज़ा बन गया, तैयार हो गया मेरा लंच। और अभी मेरे मियाँ नहीं आए शॉपिंग करके, तो फिर जब आएंगे तो हम लंच करेंगे। अभी तो लंच का टाइम भी नहीं है, 10 हो गए हैं 10:30। ये देखें मेरी रोस्ट चिकन हो गई है, वेरी नाइस है। और ये मेरी ब्रोकली एंड पीस हो गए हैं, बोल मैंने को लॉन्च किया है, बस 10 मिनट बटर थोड़ा सा डाला है। और आप देख सकते हैं ये मेरा पिज़्ज़ा, और ये मेरी थोड़ी सी चिकन और पोटैटो। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, आप बनाएं और आप खाएं। और मुझे सब्सक्राइब करें कि कैसा बनाएं। और आप सबकी देखने की शुक्रिया, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।